6260174231, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाए। कॉम्पोजिशन किसी भी आर्टवर्क में ट्रेडिशनली कर रहे हो या डिजिटली कर रहे हो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हे दोस्तों, माय सेल्फ प्रियांश राहुल, आज की इस वीडियो में इससे पहले कि मैं ट्यूटोरियल शुरू करूं, इससे पहले कि आज की जो स्केचिंग है वो शुरू करूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कॉम्पोजिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी आर्टवर्क में। किसी भी आर्टवर्क को करने से पहले हमें यह सोचना पड़ता है कि कोई भी चीज़ हम जो बना रहे हैं अपने पेपर पे, अपने कैनवास पे, उसको कहाँ बनाएं। ठीक है, हम रफली कभी ड्रॉ कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, जिसको हम पेपर पे कुछ भी बना रहे हैं तब चलता है। लेकिन जब हम एक फाइनल वर्क बनाना चाहते हैं, भले वो पेंटिंग हो या फिर स्केचिंग कर रहे हो, एक फाइनल पीस बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, हम अपने पेपर पे ड्रॉ कर रहे होते हैं कि किस चीज़ को कहाँ बनाए तो ज़्यादा बेटर लगेगा। और वैसे भी नॉर्मली भी अगर हमें फाइनल वर्क कभी नहीं भी बनाना है, तब भी कॉम्पोजिशन को ध्यान में रखते हुए कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा कॉम्पोजिशन को समझने की जो हमारी स्किल्स हैं, जो इंट्यूशन पावर है, वो ग्रो हो। कॉम्पोजिशन को करने के बहुत सारे रूल्स भी हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं कॉम्पोजिशन को सही सेट करने के, लेकिन वो हम किसी और दिन कभी और वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी डिटेल इस पर बात हो सकती है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो मेनली इंट्यूशन के ऊपर है। कैसे इस तरीके के स्केचेस, जो आज जो मैं स्केच करने वाला हूँ, वैसे स्केचेस मैं क्यों करता हूँ, और वैसे स्केचेस को करने से मुझे कैसे फ़ायदा हुआ, और वैसे स्केचेस को करने से आपको कैसे फ़ायदा होगा, ये पूरी बात मैं आगे, अभी जो ट्यूटोरियल शुरू होगा उसको आप देखते भी रहना और ध्यान से सुनते भी रहना, ताकि आने वाले टाइम में जब आप खुद के लिए आर्टवर्क बनाओ तो धीरे धीरे आपका वो माइंडसेट बन जाए कि किस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने कॉम्पोजिशन को फील करोगे, कैसे आप फील करोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी तो अच्छी दिखेगी, ये सारी चीज़ें आप टाइम के साथ आपकी डेवलप होंगी। ओके, तो इसलिए जो भी मैं बताऊंगा इस ट्यूटोरियल के टाइम आप ज़रूर ध्यान से सुनना। कुछ टाइम पहले मैंने एक स्केचबुक टूर डाली थी, हाँ ये वाली स्केचबुक, इस स्केचबुक के ऊपर मैंने एक टूर डाला था। अभी उस वीडियो को मत देखो, पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लो, उसके बाद ही देखना, इस वीडियो को दोबारा आप देख लेना, ठीक है। इसमें मैंने कुछ स्केचेस बनाए थे जो मैंने दिखाए थे उस टूर में, और उसमें भी मैंने कई सारे ऐसे स्केचेस बनाए थे जो जहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, या कोई मूवी का सीन होता है या कोई सीरियल का सीन होता है, तो ऐसे सीनिक जो सीन्स होते हैं ना, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, कोई जगह है, मतलब इस टाइप के वर्क्स में बहुत बार मैं ड्रॉ करता हूँ। इसने मुझे बहुत हेल्प की है। ओके, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आपको भी। कई बार हमें सीन को क्रॉप करना पड़ता है अपने इंट्यूशन या जो भी हम फॉर्मूला जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं कॉम्पोजिशन सेट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग कई बार जो फ़ोटो या रिफरेंस या लाइव हम फ़ोटो खींच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो हमें पहले से पसंद आ जाती है बिना कोई क्रॉपिंग किए। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा इंट्यूशन भी प्ले करता है कि हम जब देख रहे होते हैं किसी सीन को, तो हम अंदर से कैसा फील कर रहे हैं कि किसी पर्सन को थोड़ा इधर खसकाएं क्या, कि किसी सामान को थोड़ा इधर रखें क्या, ये जो अंदर से एक फीलिंग आती है ना, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आगे चल के जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आर्ट में, तो इंट्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है, तब फिर रूल्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, फिर इंट्यूशन का ही सारा खेल होता चला जाता है। तो इसलिए ये वीडियो अब मैं शुरू करता हूँ। मैंने बहुत चीज़ें आपको बोल दी इस वीडियो को सुनने के दौरान, कुछ पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे जो आप, अगर आपको लगे कि ये पॉइंट्स आप भूल सकते हो आगे चल के, तो ज़रूर लिख भी लेना ताकि आपको आने वाले टाइम में आपको याद रहे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, ये स्केचिंग शुरू करते हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा टाइम और लेता हूँ मैं आपका, इस वीडियो को शेयर लाइक वगैरह ज़रूर कर देना, क्योंकि जब भी वो सारी चीज़ें आप करते हो, एक तो चैनल को बहुत ज़्यादा लोग देख पाते हैं, और ये जो नॉलेज है, जो भी चीज़ें मैं शेयर करने की, पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट लवर्स तक, एस्पायरिंग आर्टिस्टों तक पहुंच पाती है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाती है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर करना। अब शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। एक बात हमेशा याद रखो कि जब खुद के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम फ्री हैंड स्केचिंग को दो। जब भी मैं भी इस तरीके के स्केचेस करता हूँ, जैसे आप अभी देख रहे हो, इसमें मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ कर रहा हूँ पूरी चीज़ें। इसमें आपकी हो सकते हैं शुरू में काफ़ी गलतियाँ हों, काफ़ी आपका प्रोपोर्शन बिगड़े, बट मेक श्योर कि आप फ्री हैंड स्केचिंग को बहुत ज़्यादा टाइम दो।
जब भी आप स्केच करो तो ट्राई करो कि दो तीन चीज़ें लेके आप कुछ कंपोज करने का ट्राई करो। लाइक आपने एक फ्लावर पॉट बनाया है फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें दो तीन चीज़ें और ऐड करो, ठीक है। रफली, फाइनल वर्क की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रफली दो तीन चीज़ें ऐड करो और उसको बदल बदल के देखो कि किस चीज़ को मैं कहाँ ड्रॉ करूँगा, तो कहाँ ड्रॉ करूँगी तो कैसा लगेगा। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं वो हमें बहुत हेल्प करती है इन सब कॉम्पोजिशन को इम्प्रूव करने में। तो इससे एक इंट्यूशन ग्रो होता है कि हम आगे चल के ऑटोमेटिकली फील करना शुरू कर देते हैं कि किस चीज़ को कहाँ बेटर हम लगाएं तो ज़्यादा अच्छा फील देगा वो। ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ये सीन है जीनियस पिकासो, एक सीरीज आई थी जहाँ पे पिकासो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और वो सीन मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने ये सीन को सिलेक्ट किया। कई बार क्या होता है कि हम सीन जो देखते हैं वो हमें अपने आप पसंद आ जाता है, कई बार क्या होता है हमें वो सीन में थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है, कुछ एलिमेंट्स हटाने पड़ते हैं या फिर क्रॉप करना पड़ता है, तब जाके वो हमें अच्छा फील होता है। तो जब भी जैसा भी जो भी सिचुएशन हो, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप कोई सीन देखते हो तो उसके ना आप स्क्रीनशॉट्स लेना, आप उसको क्रॉप कर करके देखना कि कुछ चीज़ें मैं हटा के देखूं क्या, कुछ चीज़ें रख के देखूं क्या, कैसा लग रहा है। और बेसिक मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं कि बेसिक सिंपल एडिटिंग आप थोड़ी बहुत सीखनी शुरू करो, ओके। फोटो एडिटिंग, पिक्सा लैब एक फ़ोटो एडिटर है, ऑटोडेस्क स्केचबुक एक फ़ोटो एडिटर है, ऐसे कई सारे फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स हैं, तो वो सारे काफ़ी हेल्प करते हैं हमें एज एन आर्टिस्ट कंपोजिशन को, इंट्यूशन हमारी जो हो रही है अंदर से उसको एक्सपेरिमेंट करके देखने में। और ये चीज़ें मैं भी कई बार करता हूँ कि फ़ोटो एडिटिंग में क्रॉप करके देखना, कुछ एलिमेंट्स को हटा के देखना, कुछ एलिमेंट्स ऐड करके देखना कैसा फील हो रहा है वो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपका कंपोजिशन को ट्राई करने की जो एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ है वो आप कर पाओगे और आप टाइम के साथ आप ऑटोमेटिकली फिर फील कर पाओगे। उसके साथ क्या होता है ना, फिर धीरे धीरे हमें अपने आप फील होने लग जाता है कि इसमें ये हटाने से ज़्यादा बेटर लगेगा, इसमें ये रखने से ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन वो टाइम के साथ होता है। लेकिन शुरू अभी से करोगे तब जाके फिर जल्दी जल्दी आप टाइम के साथ जितने वर्क बनाओगे वहाँ पे आपका कॉम्पोजिशन और इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो जब एक ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो सेकंड चीज़ जिस पे हम ध्यान देते हैं वो है वैल्यूज़, कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क करनी है, कितनी लाइट करनी है। और इसलिए मैंने पूरे वर्क के ऊपर एक रफली शेड दे दिया, थोड़ा सा फैला दिया ताकि हल्का सा वो डार्क हो जाए, पूरा सीन हल्का सा थोड़ा डार्क हो जाए, ताकि जहाँ पे हमें सबसे लाइट पार्ट दिखाना है उसके लिए हमारे पास जो पेपर की वाइटनेस है वो हमारे पास बची रहे, ओके। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, अपना लाइटेस्ट लाइट और डार्केस्ट डार्क बचा के रखना ये एक बहुत अच्छा बात होता है एक आर्ट वर्क में। इस सीन में जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रफ स्केच जो मैं बना रहा हूँ, जो भी आप समझो, इस स्केच में बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट नहीं है, बहुत लाइट लाइट सी चीज़ें। तो लाइट लाइट सी चीज़ों में क्या होता है ना, जो वाइट पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है उसको बचा के रखना ज़रूरी होता है। भले ही आपको बहुत सारी चीज़ें लाइट दिखे, भले ही इसमें पिकासो का जो शर्ट है वो पूरा ही वाइट है, लेकिन उस वाइट में भी बहुत ज़्यादा वाइट कोई कोई हिस्से हैं, तो उसको हमें बचा के रखना है पेपर के लिए, जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा वाइट है तो हमें बचा के रखना है। इसलिए मैंने एक रफ शेड दे दिया ताकि ओवरऑल जो वैल्यू है वो ना बिगड़े। एक नॉर्मल शेड मिल गई, अब इसमें मैं स्केचिंग ऐड करता जा रहा हूँ, डार्कनेस ऐड करता जा रहा हूँ जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। फिर एंड में क्या करूँगा मैं, जहाँ जहाँ वाइटनेस चाहिए उस जगह को मैं इरेज कर दूँगा, तो उससे हमें जो पेपर का वाइटनेस है वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, किसी भी वर्क को आप बना रहे हो, भले आप रफली कर रहे हो या फाइनल वर्क आप बना रहे हो, किसी भी आर्ट वर्क में वैल्यूज़ को जज करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लोग क्या करते हैं, शुरू में डिटेल्स देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम इंटरनेट पे इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं कि ऐसे डिटेल्स वर्क लोग बना रहे हैं और रील्स वगैरह आ रहे हैं, उसमें बहुत व्यूज़ है, लाइक्स हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं सीखने के दौरान बहुत ज़्यादा डिटेल पे चले जाते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि जब भी हम ऐसे स्केचेस करते हैं और स्टडी करते हैं ना, आर्ट को स्टडी करते हैं, कुछ भी सीन को स्टडी करते हैं, अच्छा लगता है हमें बनाने में, स्केच करने में, तो इन कुछ बातों का शुरुआत में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक आपका ड्राइंग, कि ड्राइंग की प्लेसमेंट सही हो, कंपोजिशन तो आया, उसके बाद ड्राइंग, फ्री हैंड स्टडीज़ हम जब कर रहे हैं तो कैसे हम ब्लॉक इन करके चीज़ों को पहले फ्री हैंड ड्रॉ कर लें, उसके बाद वैल्यूज़, डार्केस्ट डार्क कैसे रखना है, लाइटेस्ट लाइट कैसे रखना है, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है इस पूरे वर्क के दौरान।
मैंने ये चीज़ भी कई बार बोली है कि जो मटेरियल्स हैं वो मायने नहीं रखते हैं। कोई भी आप पेपर रखे हो, कोई भी रफ पेपर रखे हो, इस तरीके की स्टडीज़ आप किसी भी पेपर में कर सकते हो। कोई भी मटेरियल आपके पास हो, नॉर्मल कोई भी नटराज की पेंसिल जो भी है आपके पास, उसका इस्तेमाल करके आप ऐसे स्टडीज़ कर सकते हो बड़े ही आसानी से। इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार अपने पेंसिल को शार्प रखना है ऐसे स्केचेस के दौरान, क्योंकि यहाँ पे आप ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हो। ओके, नो ब्लेंडिंग स्केच है ये, तो ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्टडी कर रहे हो डायरेक्ट पेंसिल की मदद से। तो मटेरियल कोई भी ले सकते हो, बट स्टिल जो भी मटेरियल मैंने इस्तेमाल किए हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। बट ये चीज़ फिर भी ध्यान रखना कि मटेरियल मायने नहीं रखता, जो भी आपके पास है उससे आप स्टडी कर सकते हो। एक मैं आपको एक और टिप देता हूँ, जब भी आप कोई मूवी देखते हो ना, खासकर जो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक मूवी होती है, लाइक हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहे हो, या फिर आर्टिस्टिक इन द सेंस कि बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर होते हैं जो बहुत बारीकी से मूवी को बनाते हैं, तो उस मूवी में ना वो बहुत बारीकी से कॉम्पोजिशन को देखते हैं कि कौन हीरो कहाँ बैठा है, कोई सा पर्सन कहाँ से कैसे बोल रहा है। तो जब भी ये सारे सीन्स आते हैं ना, तो उसकी भी स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, या फिर उसको पॉज करके एक बार देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ है और लाइट कहाँ से आ रही है, कौन सी चीज़ कितनी डार्क लग रही है, किस पर फोकस आ रहा है, ये सारी चीज़ ऑब्जर्व करते रहना। और ये पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये बात अगर आपके दिमाग में रह जाएगी, अगर आपको याद रह जाएगी, तो अगले बार जब भी आप ऐसे कुछ देखते रहोगे ना, तो आपके दिमाग में सडन आएगा कि नहीं यार, पिक्चर तो मैं देख रहा हूँ, सीन तो मैं देख रहा हूँ, अचानक आएगा कि एक बार रोक के 10 सेकंड 15 सेकंड देख लूँ आराम से। तो ये छोटी छोटी चीज़ आगे चल के अपने आप आपका जो इंट्यूशन पावर है, आपके जो अंदर से फीलिंग आती है, वो चीज़ को इम्प्रूव कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब ये जो चीज़ मैंने आपको आज के लेसन में बताई, इसकी डिटेल्ड ट्रेनिंग भी मैंने बनाई है रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, लैंडस्केप के ऊपर कैसे काम करें, अलग अलग आर्ट के प्रिंसिपल्स के कैसे ऊपर काम करें, जो ओल्ड मास्टर किस तरीके से काम करते थे और उनके कैसे प्रिंसिपल्स हम अपने आज के आर्ट वर्क में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप स्टिल लाइफ की सेटअप कर सकते हो, कैसे आप उनकी स्टडीज़ कर सकते हो, कैसे फ़ोटो का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे रियल लाइफ से स्टडीज़ की जाती है, सभी आर्ट के जो एस्पेक्ट हैं उनको कवर करते हुए मैंने एक हाईली डिटेल्ड ट्रेनिंग बनाई है स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे आप शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक सीखोगे। इस ट्रेनिंग को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मेरा मकसद है, बहुत बड़ा एक विज़न है कि जितने भी लोग हैं जो आर्ट के फील्ड में हैं या जाना चाहते हैं या प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, या फिर कोई हाउसवाइफ हैं उनका पैशन है आर्ट में, या फिर कोई अदर प्रोफेशन के लोग हैं जो आर्ट में पैशनेट हैं, जो भी आर्ट में पैशनेट हैं और आर्ट में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि वो एक्चुअल में ग्रो कर सकें, तो उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग मैंने कम्प्लीटली डिज़ाइन की है। कम्प्लीटली ये ट्रेनिंग आप अपने शेड्यूल के हिसाब से भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेड्यूल की प्रॉब्लम होती है, तो इस पूरी ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो ड्राइंग मास्टरी। ये ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए कि इस ट्रेनिंग में आप क्या सीखोगे, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने वेबसाइट की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, ऊपर में ही आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में क्लिक करते ही आप ड्राइंग मास्टरी की डिटेल्स में क्लिक करोगे, वहाँ पे आप पूरी डिटेल ड्राइंग मास्टरी के बारे में देख सकते हो और इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो। इसमें एक प्राइवेट कम्युनिटी भी हमने डिज़ाइन की है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो भी ट्रेनिंग का पार्ट हैं वो डेली अपने आर्टवर्क शेयर करते हैं, जो भी वो ट्रेनिंग में सीख रहे हैं, जो भी वो उनके सवाल होते हैं, जो भी वो सीखते वक्त उनको डाउट्स आते हैं, वो भी आपस में वो डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को पार्टनर बनाते हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ताकि सेम माइंडसेट के लोग जो आर्ट में ग्रो करना चाहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएं और बहुत स्पीड में ग्रोथ अपनी बढ़ा सकें। तो इस ट्रेनिंग का, इस पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग का, इस कम्युनिटी का, इस पूरे जो एनवायरनमेंट यहाँ पे मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ सारे एस्पायरिंग आर्टिस्टों को साथ लेके, इसका पार्ट आप बन सकते हो। पूरी ट्रेनिंग हिंदी में है, तो बहुत ईजीली आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक सीख सकते हो। इस ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करना, और कोई भी आपको चेक करने के बाद आप कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरीज होती है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आके भी आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो ट्रेनिंग के बारे में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो में आपकी सबसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको क्या लगी ज़रूर कॉमेंट करना, और क्या क्वेश्चंस हैं आपके पास और क्या डाउट्स हैं आपके मन में वो चीज़ें भी ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जो कि आने वाले टाइम में आएंगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे भी कनेक्टेड रहो, मैं आप सभी से कनेक्टेड रहूँ, व्हाट्सअप नंबर पे भी कनेक्टेड रहो, सारे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहो, बहुत कुछ मैंने सोचा हुआ है, और इस ट्रेनिंग का पार्ट भी ज़रूर बनना अगर आप
एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो, इस फील्ड में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ग्रो करना चाहते हो, बिकॉज द विज़न जो मेरी यहाँ पे है कि मैं सभी को कनेक्ट कर सकूँ जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, एंड लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। मैं अक्सर ये चीज़ें बोलता नहीं हूँ आजकल, बट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है उस पर भी चीज़ें सबको पता चले, इन्फॉर्मेशन सबको पहुँचे, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो मेरे लिए। एंड मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल।